पोलर फॉर्म में आपको इसको चेंज करना है। ये दिया गया है आपको कार्टेशियन फॉर्म में और इसी कॉम्प्लेक्स नंबर को आपको पोलर फॉर्म में चेंज करना है। कैसे करेंगे देखिए, मान लेते हैं कि जो वो नंबर है वो बेसिकली r cos थीटा plus i sin थीटा है, ठीक है, क्योंकि हमको पोलर फॉर्म में दिखाना है तो हम लोग इसको ऐसा मान लेते हैं। इसके बाद क्या हुआ, यहां तक मानने के बाद मेरे को r निकालना पड़ेगा, है ना, r निकालना पड़ेगा। तो r is equal to कितना होगा, root under x square plus y square, यानी कि root under x square 1 का स्क्वायर करेंगे और प्लस root 3 का स्क्वायर करेंगे, तो ये हो जाएगा 1 plus 3 यानी कि 4, और 4 का होगा रूट 4 होगा मतलब कि 2 होगा, यानी कि जो r का जो वैल्यू निकला वो यहाँ पर 2 निकल करके आ गया, r का वैल्यू निकल करके आ गया। अब इसके बाद हमको एंगल निकालना पड़ेगा क्योंकि r की जगह में इसको पुट कर सकते हैं, अब तो थीटा पता होगा तब ना, तो इसको हम लोग थीटा को हम लोग फाइंड आउट करते हैं क्या होगा, थीटा कैसे निकला, कैसे निकलेगा कि यहां से हम लोग tan थीटा बराबर निकालते हैं, tan थीटा y कितना है, y यानी कि इमेजिनरी पार्ट, और वो है मेरा root 3 अपॉन x यानी कि रियल पार्ट, और वो है मेरा 1, रियल पार्ट कितना है 1, तो यानी कि ये फाइनली हो गया root 3। और tan कितने डिग्री का मान, सॉरी कितने रेडियन का मान root 3 होता है, tan कितने डिग्री का, सॉरी कितने रेडियन का मान root 3 होता है, तो जवाब होगा π/3 यानी कि 60 डिग्री, ठीक है, यानी कि π/3, यानी कि थीटा जो होगा यहाँ पर ये π/3 निकल करके आएगा, तब जो मेरा यहाँ पर होगा वो सिस्टम वो जारी पर जो पोलर फॉर्म वो होगा 2 cos π/3 प्लस i sin π/3, ये हो गया इसका पोलर फॉर्म। फाइनली जो बनेगा वो तो बेसिकली ऐसा ही बनेगा, लेकिन इतना शॉर्ट में नहीं, ठीक है, हम लोग इसमें और भी कुछ इसमें थोड़ा सा डिजाइनिंग करेंगे, मतलब कि ऐसे लिखेंगे ऐसे नहीं, ठीक है, यहाँ पर लिखेंगे कि इक्वेटिंग रियल पार्ट एंड इमेजिनरी पार्ट, ठीक है, इक्वेटिंग रियल पार्ट एंड इमेजिनरी पार्ट क्या होगा, इक्वेटिंग रियल पार्ट एंड इमेजिनरी पार्ट वी गेट, हम लोगों को क्या मिलेगा, इक्वेटिंग करने के बाद मिला कि आर कॉस थीटा इज इक्वल टू 1 है और आर साइन थीटा इज इक्वल टू √3 है, क्योंकि ये r जब दोनों से इंटू होगा तो फिर ये यानी कि x, यानी कि x कितना है 1, तो फिर r cos थीटा ये 1 दिया गया है और r sin थीटा ये कितना दिया गया है √3 दिया गया है, ये इक्वेटिंग करके हमको मिला। इक्वेटिंग करने के बाद ये लिखना है कि स्क्वायरिंग एंड एडिंग फर्स्ट एंड सेकंड इक्वेशन, इसको फर्स्ट मान लेना है, इसको सेकंड मान लेना है, और यहाँ पर लिख देना है उसी तरह से जैसे हम लोग उसको किए थे, स्क्वायरिंग एंड एडिंग फर्स्ट एंड सेकेंड इक्वेशन, तो स्क्वायरिंग करके अब अगर हम लोग ऐड करेंगे तो ये बेसिकली ये हो जाएगा, यानी कि इसके बाद इस स्टेप के बाद ये पूरा ये इस चीज को लिखना है, ठीक है, ये पूरा स्टेप स्क्वायरिंग एंड एडिंग को जो लिखना है, इसके बाद यहां पर जो लिखना है वो इसको यहां से कट करके यहां पर पेस्ट कर देना, ठीक है, इसके बाद होगा ये चीज यहां पर आ जाएगा, इसके बाद होगा डिवाइडिंग फर्स्ट, सॉरी इस तरह से डिवाइडिंग सेकेंड बाय फर्स्ट वी गेट, दूसरे को पहले से डिवाइड देने के बाद हमको क्या मिलेगा, इसके बाद आपको लिखना है ये वाला चीज, ये वाली चीज, ठीक है, ये आएगा यहां पर, यहां से कट करके वहां पर केवल पेस्ट करना है, उसके बाद जो लिखोगे वो यहां लिखोगे केवल नाव, नाव के बाद फिर इसी चीज को यहां से कट करके यहां पर पेस्ट कर देंगे, तो फाइनली जो स्टेप है वो बिल्कुल इसी तरह से है, कहीं बहुत बड़ा स्टेप तो है नहीं, और क्वेश्चन को हम लोग इस तरह से ही हम लोग सॉल्व करते हैं।